डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, यानी राइट नोस्टिल ब्रीदिंग। इसे सूर्य भेदन भी बोलते हैं, अर्थात इससे हमारी पिंगला नाड़ी का भेदन हो जाता है, पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती है। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सी नस नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तीन जो नाड़ियाँ हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवा करके या सर्जरी से देखें तो मिलेंगे नहीं। योग में इसे एनर्जी चैनल बोलते हैं, अर्थात इनके जरिए हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आज हम वीडियो में जानेंगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं, किसको नहीं करना है। आइए सबसे पहले जानते हैं ये क्यों करें, इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहले जिनको कफ संबंधी रोग हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, सर्दी, साइनस की प्रॉब्लम है, कफ ज़्यादा बनता है, बलगम आती है, गले में टोंसिल हो जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, वो इसे ज़रूर करें। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए रामबाण है, वो भी इसे ज़रूर करें। तीसरा, ये ठंडे प्रदेशों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर को हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, ये गर्म तासीर का होता है, तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो खाना सही से पचेगा, अपचन की समस्या दूर हो जाती है, और जो शरीर में फैट जम जाता है वो नहीं जमेगा, फैट डिजोल्व हो जाएगा, तो हमारा वजन भी कम हो जाता है, जिनका वजन ज़्यादा हो कम हो जाएगा। महिलाओं संबंधी बहुत से रोग दूर हो जाते हैं, छूत के रोग दूर हो जाते हैं, त्वचा संबंधी विकार दूर हो जाते हैं, जैसे चेहरे पर दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, और जो सुबह उठते हैं तो उनको आलस्य बना रहता है, जिन लोगों का उनका आलस्य दूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलती है, तो इससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से क्या होगा, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, सुबह का जो आलस्य है, सुस्ती है, दूर हो जाती है। और ये बुढ़ापा दूर करने में भी सहायक है, अर्थात इससे हमारा बुढ़ापा नज़र नहीं आता है। अब क्या सावधानियां हैं, किन को नहीं करना है, इसे जानते हैं। सबसे पहले जिनका बीपी हाई रहता है वो इसे बिल्कुल नहीं करें, हृदय रोगी भी इसे नहीं करें। जिनका पित्त प्रकृति का शरीर है, अर्थात पहले ही शरीर में गर्मी बनी हुई है, जैसे मैं कहूँ कि एसिडिटी बनी हुई है, तो उन लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाता है शरीर में, उनको नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। जिनको एपिलेक्सी यानी कि मिर्गी आती है, या बुखार की स्थिति में, या नाक बंद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो नहीं करें, और गर्मियों में इसको कम मात्रा में करें। वैसे आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं, गर्मियों में कम करें। आइए जानते हैं इसको करने का तरीका। करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, सीधासन, पद्मासन, वज्रासन, या फिर चेयर पर बैठ कर सकते हैं, या जिन लोगों को बेड रेस्ट दिया हुआ है वो बेड पर लेटे लेटे कर सकते हैं। ऐसे हम दोनों हाथों की मुद्रा बना लें, ये मेरा बायां हाथ है, इसकी मैंने जो है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, ऐसे इसको जो है हम अपने घुटने पर रख लेंगे। दायां हाथ, इससे नासाग्र मुद्रा बनाए, अंगूठे के साथ वाली उंगली, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, और मिडल मध्यमा उंगली, इनको अंगूठे के मूल भाग में रूट में लगाएं, शेष उंगलियां लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इनको सीधा कर लें, इसे विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, ऐसे रखें, हाथ ऊपर नहीं जाएगा, हाथ को नीचे रखें ऐसे। मैंने उंगलियों को बाई नासिका पर रख लिया है, दाएं से श्वास भरेंगे, अब दाएं नाक को अंगूठे से बंद करके और बाएं से खाली कर दें, फिर दोबारा राइट नोस्टिल से भरें, दाएं नासिका से भरें, बाएं से खाली कर दें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे खाली करें, हर बार दाएं नासिका से श्वास भरें और बाएं से खाली करें, दाएं से भरें, बाएं से खाली करें, ये जो है ना आप 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे खाली करें। इसका दूसरा तरीका कुंभक के साथ करते हैं, अर्थात श्वास को रोक करके। कैसे करेंगे? वही तरीका, दाएं नाक से श्वास लें, दोनों नासिका को बंद कर लें, 5 गिनती तक रुके, 1, 2, 3,
चार पांच, बाएं से खाली कर दें। कुंभक में पांच सेकंड, पांच गिनती तक, सात गिनती, दस गिनती, यथा सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है उतना रोक करके हम इसे करेंगे। आइए एक बार फिर करते हैं। एक दो तीन चार पांच। ये मैं गिनती आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको मन ही मन में गिनती गिननी है या अपनी यथा सामर्थ्य यथाशक्ति रुकना है। कुंभक लगाने से क्या होगा, जितनी देर हम कुंभक लगाएंगे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलेगी, ज़्यादा वायु रुक जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और पूरे माइंड को भी जो है इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं। तो दोनों तरीके, पहले में क्या है श्वास लेना और छोड़ना, दूसरे में श्वास लेकर के थोड़ी देर के लिए रोकना है। ऐसा आप 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं या अपने रोगानुसार ही से करें। तो ये था हमारा सूर्य वेदी प्राणायाम। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।